श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ व ज्ञानपीठ व ज्ञान केंद्र परिवार के सब सुंदर सात सदस्यों को हार्दिक बधाई, स्पेशल थैंक्स, विशेष आभार नीरज जी, रंजीत जी, पुकार जी, अशोक जी, श्रवण जी, शशांक जी, किरण जी जिन्होंने फोन की सेवा दी, सुदेश जुनेजा जी और श्रेयस जी जिन्होंने यूट्यूब लाइव की सेवा की। इन सब सुंदर साथ का विशेष आभार जिन्होंने जूम और एफबी लाइव करने में हमारा सहयोग दिया। कैलाश बेन व ज्योत्सना बेन और प्रोफेसर एवी रामचंद्रन जी की अथक लगन व सेवा भाव को शत शत नमन। उनकी सेवा हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। पर्यावरण पर बनने वाली लघु फिल्म यानी डॉक्यूमेंट्री पर जिन सुंदर साध ने तन मन धन ज्ञान संगीत टेक्नोलॉजी की सेवा दी, उनका हृदय से आभार। तो क्या हुआ यदि हम सुंदर साध कोविड के रहते इन सेवाओं में भाग नहीं ले सके? दिल छोटा ना कीजिए, हम उसको पूरे विश्व में फैलाने में, सोशल मीडिया में शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राज जी ने आज हर एक के हाथ में एक मोबाइल एक बटन थमा दिया है कि और कुछ नहीं तो कम से कम हम जो ज्ञान की अविरल धारा बह रही है उस धारा की एक एक लहर अपना कर्तव्य समझकर सोशल मीडिया पर बहा दें तो क्रांति कैसे ना आएगी। तो केवल सुंदर साथ के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए कल्याणकारी होगी ये डॉक्यूमेंट्री, जिसमें प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक समाधान सॉल्यूशंस दिए गए हैं पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए। तो आइए तन मन धन ज्ञान की सेवा करें प्रेम से, और देश विदेश से इस जूम फेसबुक यूट्यूब लाइव पर जुड़े सब सुंदर साथ के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम, जो आपने इतना अमूल्य समय इसमें बिताया और इस आनंद को लिया। आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि सोनू जी ने बोला, हम लोगों को सेवा करने के लिए मौके ढूंढने की जरूरत नहीं है, मौके अपने आप उपस्थित हो जाते हैं यदि मन में सेवा करने की भावना हो। सेवा भी कई स्तरों पे की जाती है, शरीर के स्तर पे, मन और वाणी के स्तर पे और आत्मा के स्तर पे। जब वाइफ यानी एक पत्नी अपने पति के लिए कुछ खाना बनाती है तो वो क्या खाना बनाने से पहले नाम लेती है कि आज मैंने तुम्हारे लिए रोटी बनाई, आज मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया, या फिर पति का नाम कहीं पर हो तो उसे लगता है कि नहीं मेरा नाम होना चाहिए। स्वामी जी ने बोला हम शरीयत से ऊपर कब उठेंगे? अगर हम अभी भी इसी बात पे ही सोचते रहे कि हमारा नाम हो तो हम उस भाव से कब ऊपर उठेंगे? अगर पति पत्नी को भला बुरा भी कहे, तारीफ भी करे, भले ही कुछ भी ना कहे, लेकिन उसका दिल ही प्यार है। हमारी सेवा शरीयत शरीर इस शरीर से हटकर कि हमारी इसमें नाम हो, इससे ऊपर उठकर राज्य को रिझाने के लिए होनी चाहिए। हम परम धाम के साथी हैं, हमको ये भाव लेकर एक दूसरे के साथ मिलकर इस जागनी के कार्य में अपना प्रचार प्रसार के साथ सहयोगी बनना है। एक और आपसे गुड न्यूज आपके स्क्रीन पे शेयर करना चाहूंगा। ये प्राणनाथ ज्ञानपीठ का यूट्यूब चैनल है, आज इसके 15,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, और दीपावली विशेष पे जो ये प्रोग्राम रखा गया था इसका आपने ऑनलाइन प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जूम के माध्यम से, सबने भली भांति उससे आत्मिक लाभ उठाया और अपने घरों बैठे इस परिस्थिति को देखते हुए इसका आनंद लिया। इसी YouTube चैनल पर आने वाले समय में श्रवण और रंजीत जी, जिनकी वाणी गायन कई हजारों चौपाइयां जो सागर सिंगार और सभी ग्रंथों से ली गई हैं, उनकी USB जो अभी आपने देखा विमोचन हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड होगी। आपकी सेवा इनमें भी अमूल्य मानी जाएगी यदि आप उन हर एक वीडियो को जो वाणी गायन है, चाहे वाणी चर्चा है, उसको अधिक से अधिक शेयर करें, ज्ञान का प्रचार प्रसार जितना हो सके घरों बैठे एक क्लिक के माध्यम से करें। इसी प्रकार आपके सामने जो फेसबुक पेज का शेयर किया गया है, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का फेसबुक पेज है,
अभी तक यहाँ पे भी आप लोग बहुत सहयोग दे रहे हैं, यहाँ पे आने वाले समय में भी और अभी से पहले भी बीतक की, चाहे वाणी की चौपाइयाँ हो, चाहे अनाउंसमेंट्स हो, चाहे वीडियोस हो, सब शेयर किया जाता है। आप भी इसे अधिक से अधिक फेसबुक में भी शेयर करें। एक और पेज है श्री राजन स्वामी जी का, श्री राजन स्वामी करके, यहाँ पे भी आपने बहुत अधिक सहयोग दिया है, आपसे इसी सहयोग की अपेक्षा है। इसी प्रकार ऑनलाइन बैठे हुए आज की परिस्थिति में ई गोष्ठी का आयोजन किया गया था 1 नवंबर को, आप सब ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। 350-400 लोगों ने जूम पे इस कार्यक्रम को शामिल होकर देखा, फेसबुक पे और यूट्यूब पे लाइव होने के बाद इसको हजारों लोगों ने देखा और आत्मिक लाभ लिया। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए क्रम में एक हफ्ते बाद ही पूज्य श्री राजन स्वामी जी द्वारा ऑनलाइन तारतम ग्रहण का प्रोग्राम हुआ। इसमें भी आपने सब ने, मीनू जी और यूएस के सुंदर साथ ने इस प्रोग्राम को आयोजन कराने में बहुत सहायता की। इसी प्रकार आने वाले समय में और भी प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे आपसे, और जितने भी आप सब सुंदर साथ आज इस जूम, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं और आगे भी जुड़ेंगे, देश विदेश से सहयोग दे रहे हैं और हजारों की संख्या में आप इसको देख के न सिर्फ खुद लाभ ले रहे हैं बल्कि आगे भी हजारों में शेयर भी कर रहे हैं, आपसे इसी सहयोग की आशा और अपेक्षा रहेगी। और अंत में प्राणनाथ ज्ञानपीठ, प्राणनाथ ज्ञान केंद्र, वहां के परिवार के जितने भी सुंदर साथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, आचार्य हैं, जिन्होंने इसकी पूरी सेवा एक टांग पे खड़े होकर की है और आगे भी करते रहेंगे, और समाज उनसे ये अपेक्षा करता है, वो इसी प्रकार जागनी के कार्य में एक एग्जाम्पल बन के हमारे समाज में आए और हम सुंदर साथ का भी ये सही और हम सुंदर साथ का भी ये कर्तव्य बनता है कि उनके सहयोग में जितना हो सके खड़े रहें, और यही हमारी सच्ची सेवा है। इसी के साथ इस प्रोग्राम को हम अंत करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।